नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप लोग देख रहे हैं डीपी के यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा प्रूफ के साथ में कि iOS 14.4 पे आईफोन 6s को 0 से 100% तक चार्ज होने में कितना वक्त लगता है, 1% से 50% तक जाने में कितना टाइम लगता है, 50 से 80% तक जाने में कितना टाइम लगता है। एक पूरी डिटेल वीडियो है आप लोगों के लिए कि जो है आईफोन 6s को iOS 14.4 पे 1% से लेकर के 100% तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम में ये फुल चार्ज हो जाता है। सो ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आईफोन 6s से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ। इसी के साथ ही साथ आप हमसे कोई सवाल पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टा यूज़र आईडी है dpk397। सो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी मैं चार्ज कर लेता हूँ उसको, चार्ज कर रहा हूँ, आप लोगों को सारी जानकारी दिखा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो मेरे आईफोन 6s में जो बैटरी है वो है 1%। ठीक है गाइस, और मैं आपको अपडेट दिखा दे रहा हूँ इसमें कौन सा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसमें जो अपडेट लेटेस्ट है iOS 14.4 का, वही मैं इसमें जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और मैं बताऊँगा आप लोगों को कितना टाइम लगता है इसको चार्ज होने में। तो यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है 6:16 शाम के, और मैं अभी इसको लगा देता हूँ चार्जिंग में और देखता हूँ कि ये कितनी देर में ये 100% चार्ज होता है। और आपको दिखा देता हूँ मेरे आईफोन 6s की जो बैटरी हेल्थ है वो है 85%। ठीक है गाइस, और मैं लगाता हूँ इसको चार्जिंग में, देखता हूँ ये कितनी देर में चार्ज होता है। और आप लोग वीडियो पूरी देखेगा, आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी इस आईफोन 6s से रिलेटेड। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आईफोन 6s से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ। सो गाइस, चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इसको चार्ज करके, देखते हैं कितना टाइम लगता है। आप लोग टाइम देख रही है 4:17, 1 मिनट और जोड़ लीजिए, 4:18 में मैं इसको लगा दूँगा और देखता हूँ कि फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो 6:18 हो रहे हैं, चार्जिंग में मैंने फ़ोन लगा लिया है और अभी भी 1% ही है। अभी मैं इसको दोस्तों छोड़ दूंगा 1.5 घंटे के लिए और देखता हूँ 80% तक चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे गाइस, अब आप लोग देख सकते हो 7:46 हो रहे हैं, करीब 1.5 घंटा हो गया है और 80% बैटरी इसकी जो है आ चुकी है। यानी कि गाइस, मान लीजिए 6:18 पर लगाया था, 7:46 हो रहे हैं, तो 1.5 घंटे में आप लोग मान सकते हो कि इसकी जो बैटरी है वो 81% चार्ज हो गई है। 1.5 घंटा मतलब गाइस वही 90 मिनट, आप लोग मान लीजिए कि 90 मिनट में इसकी जो बैटरी है वो 81% तक जो है चार्ज हो चुकी है। तो अभी 1.5 घंटे में इतनी चार्ज हुई, आगे कितना टाइम लेता है वो मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी 8:03 हो रहे हैं, मैंने इसको फिर से गाइस जो है 15 मिनट के बाद देखा है, तो 15 मिनट में इसकी जो बैटरी है वो 9% ही मात्र चार्ज हुई है। 90% यानी 10% चार्ज होने में अब 15 मिनट लग गया है गाइस। अभी जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती वैसे वैसे मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूंगा 90% के बाद, और अभी थोड़ी देर के बाद देखूंगा गाइस कि अब कितना स्लो चार्ज हो रही है। वैसे जैसे बैटरी बढ़ती जाती है वैसे इसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम होती है। ऐसा क्यों होता है मुझे पता नहीं, ये वैसे सभी फ़ोन्स में होता है। तो यहाँ पर 90% बैटरी हो गई है, और अभी मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, यहाँ पे 95% बैटरी हो गई है, फिर से मैंने 15 मिनट के बाद चेक किया तो अब 15 मिनट में मात्र 5% बैटरी चार्ज हुई, यानी कि 3 मिनट में मात्र 1% इसकी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैटरी जो है वो 95% चार्ज हो गई है। 8:19 6:18 पर लगाया था, 2 घंटे में गाइस इसकी जो बैटरी है वो आप लोग देख सकते हो 95% तक चार्ज हो जाती है। लेटेस्ट अपडेट पे iOS 14.4 पे जो है 2 घंटे में इसकी बैटरी 95% तक चार्ज हो जाती है। अब 1715 mAh की बैटरी है, तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि इसकी 2 घंटे में बैटरी जो है वो 95% तक चार्ज हो जाती है। तो फिर मैं इसको भी रख देता हूँ और देखता हूँ कि इसकी जो है 100% तक चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। मात्र 5% बाकी है, तो 10-15 मिनट में हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप टाइम देखते रहिएगा। इस यहाँ पे 8:20 हो रहे हैं, और अभी मिलते हैं 3% और चार्ज करने के बाद। तो 97% चार्ज हो गई है और बज रहे हैं दोस्तों 8:34।
यानी कि 14 मिनट हो गए, 14 मिनट में मात्र 3% यानी 15 मिनट में मात्र 3% चार्ज हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि गाइस जैसे जैसे इसकी चार्जिंग बढ़ती जाती है वैसे इसकी स्पीड चार्जिंग की जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो पहले 15 मिनट में 10% चार्ज हुई, फिर 15 मिनट में गाइस 5% चार्ज हुई, फिर 15 मिनट में 3% चार्ज हुई, अब बाकी बचे हैं 3%। टाइम हो गया 8:34, अब थोड़ी देर बाद देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे हो गया 8:54, अब मात्र 2% बैटरी चार्ज हुई है आधे घंटे में, मान सकते हो आप लोग कि 20 मिनट बाद मैंने फिर से इसको देखा तो 20 मिनट में मात्र 2% बैटरी चार्ज हुई है। सो गाइस मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे ये 100% तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें, इसलिए मैं मना करता हूँ कि आपको iPhone 6s को 100% इसलिए नहीं चार्ज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो 3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 8:54 हो रहा है, 6:18 पर लगाया था और अभी मैं 10 मिनट बाद फिर देखता हूँ। सो गाइस फाइनली 9:10 हो गए हैं रात के और बैटरी अब 100% इसमें जो है वो चार्ज हो गई है। आप कह सकते हो गाइस कि इसको जो चार्ज होने में टाइम है वो करीब करीब दोस्तों 3 घंटे लग गए हैं, फुल 3 घंटे नहीं बोलूँगा लेकिन 2.5 घंटे से ज़्यादा लग गया है, 2:40 इस फ़ोन को बैटरी को चार्ज होने में लग गया है गाइस। सो आप लोग देख सकते हो कि इतना टाइम लगता है इस लेटेस्ट अपडेट होने के बावजूद। सो ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और फिर आपके माइंड में कोई सवाल रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछते हैं। सो मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो में, बाय बाय।